सुबह का थोड़ा सा किया था, टाइम नहीं मिला, मैंने लिया था राजमा और ये हरी मूंग। साथ में मैंने तड़के के लिए काट लिया है लाल मिर्च, लहसुन और प्याज, टमाटर। और फूल तो मैं नहीं दिखा पाऊँ आप लोगों को, ये मैंने तड़के के लिए रख दी है कढ़ाई। और ये मैंने दाल मेरी रेडी हो चुकी है बनकर, अब इसमें मैं लगाती हूँ तड़का लगाती हूँ। कितने अच्छे से बन चुका है, दाल उबल गया है अच्छे से। मैं आप लोगों को तड़का दिखाती हूँ अभी। अभी दाल में, तड़के में मैं डाल रही हूँ जीरा और मेथी दाना। मेथी दाना थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है इसी वजह से। और साथ में मैं डालूंगी इसमें, एक ही हाथ से डालूंगी, कोई दिक्कत है। मैंने इसमें डाल दिया, प्याज अच्छे से बन गया था तो मैंने इसमें डाल दिया है। अभी मैंने वीडियो को ऑन किया था तो टमाटर डाल दिया है मैंने। टमाटर को लगाने के लिए इसमें डालूंगी मैं नमक, लास्ट में डालूंगी गरम मसाला। मुझे सब्जी में डालूंगी ये, पता नहीं आप लोग खाते हो कि नहीं, हमारे घर में कोई नहीं खाता है, सिर्फ मैं, ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपने लिए थोड़ी सी बनाऊंगी। आप लोग शायद जानते होंगे इसको, इसको बोलते हैं पोई, पोई का साग बोलते हैं साग। इसको अच्छे से काट के धो लिया मैंने, बेहतर अच्छा है, उस काट के बनाऊंगी। आप लोगों को कैसे दिखा दिया कि मैं ये सभी खाती हूँ, तो ले खाती हूँ कि उसकी वजह से मेरे ये सभी खाना पड़ता है हरी सब्जी। जो मैंने करता हुआ हो जाए तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छे से बन जाता है, इतना काम होता है मुझे सुबह नाश्ता दोपहर को ये खाना, फिर बीच में पानी निकालो जो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। दाल मैंने उबलने के लिए रख दी है, सबका डालने के बाद दाल को अच्छे से उबालने पड़ेगी। तड़का बनती है तब तक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ पौधे। ये देखो आप, ये वाला पौधा, इसकी बस एक डंडी तोड़कर आप लगा सकते हो। इसको घर पे लगाना बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है इसे लगाना। ये देखो, इसकी कोई पौधे की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई भी टहनी अच्छे से तोड़ कर आप लगा सकते हो। और ये, इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं भी आप लगा दो हो जाएगा। अगर ग्रो नहीं करता है तो इसकी मिट्टी बदल दो तो जल्दी हो जाएगा। ये ऐसा ही था, मेरा हो नहीं रहा था, ये पौधा ग्रो नहीं कर रहा था तो मैंने इसकी मिट्टी चेंज कर दी है तो अब होने लग गया। और ये पौधा, ये भी बहुत ही, इसको लकी मानते हैं काफ़ी लोग, ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बस ये लंबा होता जाता है और इसकी जैसे ये सूखे हुए पत्ते ऐसा तोड़ दिया करो आप। और इसका लगाने का भी काफ़ी है, मतलब इसको लगाने से पहले इसके
गमले में इसके जड़ को डालने से पहले इसके नीचे 1 रुपए का सिक्का और एक पता नहीं गोमती चक्र ऐसा कुछ डाला जाता है। और ऐसे ही होता है ऐसे मनी प्लांट के साथ भी, मनी प्लांट को भी लगाने से, बहुत सारे लोग कहते हैं मनी प्लांट होता नहीं है, पर इसको लगाने की तरीका है, अगर लगाओगे तो आप कहीं भी हो जाएगा। मैं तो किसी भी गमले में कोई भी तानी तोड़ कर लगाती हूँ, हो जाता है, पर इसको भी वही है, इसको लगाने से पहले आप एक सिक्का और गोमती चक्र जरूर डालना। और यह है तुलसी, तुलसी को, तुलसी के पौधा को भी वैसे ही लगाते हैं, इसके पौधे के लगाने से पहले मिट्टी में डाला जाता है सिक्का और गोमती चक्र डाल सकते हो आप। इस गमले में देख सकते हो मैंने ये हल्दी भी लगाया है, साथ में तुलसी जी है, जो सूखे सूखे पत्ते होते हैं वो तोड़ दिया करो आप लोग, और साथ में ये गेंदे, गेंदे आजकल होता नहीं है। और एक मैंने लगाया करी पत्ता, करी पत्ता बहुत है मेरे घर पे, पर मैं हमेशा जब भी दाल में तड़का लगाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, तो मैं कैसे पौधा लगाती हूँ ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी जब भी कोई मैंने नया पौधा लगाया। तो चलो आप देखते हैं यहाँ मेरा सब्जी का क्या हाल है, जब तक मैं बाहर की पौधे की वीडियो बनाऊँ तब तक मेरी ये टमाटर गल चुका रहा हूँ अच्छे से। बोल रहे हैं कि अच्छे से आप सब्जी की अच्छी मदद से अच्छे से आप टमाटर को तोड़ सकते हैं। और मुझे बताना आप में से कौन कौन सब लोग ये सब खाते हो, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं खाती हूँ। दाल उधर उबल रहा है तो मैं उसमें तड़का डाल देता हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तड़का मैंने ऊपर में डाल दिया है और उसकी कढ़ाई में मैंने ये थोड़ी सी जो साग है अपने लिए बनाया है। कुछ नहीं डालना, बस आप जीरा डाल के लहसुन डाल के अच्छा लगा दो, ऐसे दाल हो जाए और ये बन जाए तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दाल देखो अच्छी से दाल हो गई है, अभी बहुत ही अच्छे से हो गया है, कलर भी उसका बहुत अच्छा है दाल का। तड़का लगाने के बाद दाल को अच्छे से उबालना बहुत जरूरी होती है। हमारी दाल हो गई है रेडी, इसके ऊपर डालना है हरा धनिया और इधर ये भी बन गया है थोड़ा सा, मैंने अकेले में ही खाना है, काफ़ी है मेरे लिए, ये बन चुका है, बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें कुछ पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। और हमारा खाना हो चुका है रेडी खाने के लिए, ये है दाल, सब्जी, हरी मिर्च घर का है और ये है राइस। खाने की दोपहर का खाना रेडी हो चुका है, बस इतना ही सिंपल खाना।